खेल विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया की खेल परिषद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के साथ ही खेल मंत्री अशोक चांदना और कृष्णा पूनिया में अधिकारों और फाइलों को लेकर शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर तो दोनों ही नेता किसी विवाद से साफ इनकार करते रहते हैं, लेकिन हकीकत तो यही नजर आती है कि खेल विभाग में ऑल इज नॉट वेल। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही हालांकि नेताओं और मंत्रियों में छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश के खेल विभाग में तो विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पिछले शासन में भी खेल मंत्री और खेल परिषद अध्यक्ष के बीच अनबन ही रही, तो इस बार भी स्थिति ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। अब तो खेल विभाग और खेल परिषद में पूरी तरह मंत्री अशोक चांदना का ही एक छत्र राज था, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों के बाद महिला विधायक और ओलंपियन कृष्णा पूनिया को खेल परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। कृष्णा पूनिया के कार्यभार ग्रहण तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फाइलों के निस्तारण और अधिकारों को लेकर दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब तक कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए हैं जिनको देखकर लगता है कि फिलहाल ये शीत युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको सबसे ताजा मामला बताते हैं, जिसमें एक बाबू के मामले में मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए थे, जिसमें खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के आदेश को खेल मंत्री चांदना ने पलट दिया था। दरअसल 10 जून को कृष्णा पूनिया के निर्देश पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के शर्मा को जयपुर से डेपुटेशन पर प्रतापगढ़ भेज दिया। हालांकि हवाला तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों का था, लेकिन हकीकत में के शर्मा की जयपुर से विदाई करनी थी। के शर्मा अशोक चांदना ग्रुप के खास सिपह सालार माने जाते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पीड़ा मंत्री को बताई। खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेल सचिव नरेश पाल को निर्देश देकर कृष्णा पूनिया की ओर से जारी आदेश को पलटते हुए के शर्मा के डेपुटेशन को निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं, मंत्री ने के शर्मा को अपने दफ्तर में ही पदस्थापित करा लिया। इधर अब कृष्णा पूनिया अपने अधिकारों की सूची खंगालने में लगी हैं कि क्या खेल परिषद के कर्मचारी को खेल विभाग पदस्थापन कर सकता है। ऐसे में अब लग रहा है कि दोनों का मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के बीकानेर दौरे पर भी अशोक चांदना और कृष्णा पूनिया के बीच का विवाद जग जाहिर हो गया, जब अशोक चांदना अपने ही विभाग के कार्यक्रम के बावजूद मुख्यमंत्री के दौरे पर बीकानेर नहीं गए। हालांकि चांदना ने जयपुर में स्किल डेवलपमेंट विभाग के कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला दिया, लेकिन ये समझ से परे है कि मुख्यमंत्री का दौरा अहम है या अपने दूसरे विभाग का कार्यक्रम। इस बीच कृष्णा पूनिया ने 3 दिन बीकानेर में डेरा डाले रखा और हर वक्त मुख्यमंत्री के साथ नजर आई। लगे हाथों उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का लोगो और टी शर्ट का विमोचन भी मुख्यमंत्री के हाथों करा लिया। सूत्रों के अनुसार सीएम दौरे के कार्यक्रम की जानकारी औपचारिक रूप से खुद कृष्णा पूनिया ने फोन करके मंत्री अशोक चांदना को दी थी, लेकिन चांदना ने अन्य कार्यक्रम का हवाला देकर बीकानेर आने से मना कर दिया। हालांकि विवादों के किस्से दो नहीं है। इससे पहले एसएमएस स्टेडियम में मुख्यमंत्री गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे थे, उस वक्त बवाल इतना ज्यादा हो गया था कि खेल मंत्री ने खुद को जलालत वाला मंत्री बता दिया था। विवाद एक टेंडर को लेकर था, जिसके चलते सचिव राजू लाल सीएम के कार्यक्रम के बावजूद छुट्टी लेकर चले गए। हालांकि बाद में सीएम के हस्तक्षेप से पूरा मामला निपटाया गया। बहरहाल अब स्थिति ये है कि खेल मंत्री ने एसएमएस स्टेडियम आना तो बंद सा ही कर दिया है, लेकिन सचिवालय से फाइलों के जरिए खेल परिषद अध्यक्ष को नाको चने चबवा रहे हैं, जिसके चलते खेल परिषद अध्यक्ष को फाइल निस्तारण होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो प्रदेश में इन दिनों कई विधायक मंत्रियों से नाराज है, तो कुछ विधायकों की अधिकारियों से अनबन चल रही है, लेकिन खेल विभाग में खेल मंत्री और खेल परिषद अध्यक्ष के बीच अनबन प्रदेश के खिलाड़ियों को भारी पड़ सकती है। ऐसे में अब खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों ही नेता आपसी मतभेद भुलाकर खिलाड़ियों के हित में काम करें, तभी राजस्थान में खेलों में एक बार फिर अव्वल होने का सपना साकार हो पाएगा। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।